वेलकम है, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जैसा टेक्निकल में। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पे इसीलिए आए हो कि हमें अपनी मार्कशीट पे लोन के लिए पूरी जानकारी मिले, तो आपने बहुत सही जगह क्लिक किया है। जी हाँ दोस्तों, मैं एकदम आपको सही इन्फॉर्मेशन दूंगा और जिस जो सोच के आप इस वीडियो पे आए हैं, मैं आशा करता हूँ आपको बहुत सारी नॉलेज यहाँ से आसानी से मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो जो भी इस नए चैनल पर आए हैं अगर, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेड कलर के बटन को दबाकर और घंटे के आइकन को जरूर दबा दें, और वीडियो अगर अच्छा लगे कहीं पर भी तो लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, आपका स्वागत न करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं लोन के ऊपर। वैसे तो यूट्यूब पे कई सारे वीडियो अपलोड है, मैंने देखे हैं, लेकिन कोई में किसी भी कुछ कुछ वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन बताई गई है, लेकिन बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं कोई भी अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं बताई गई। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँ इसी के ऊपर और अपने ऑडियंस को उसकी अच्छी जानकारी दे सकूँ। जी हाँ दोस्तों, जो भी 10th या 12th पास स्टूडेंट होते हैं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं और उनको 10th या 12th के बाद पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता, उनके पास पैसे नहीं होते और वह सोचते हैं कि हम अपने घर के चलाने के लिए कोई बिजनेस शुरू कर ले, उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं। तो उन सभी भाइयों को बताना चाहूँगा कि वो अपनी एजुकेशन पे लोन ले सकते हैं, यानी कि अपनी 10th और 12th की मार्कशीट अगर आपके पास है तो आप उस पर आसानी से लोन दे सकते हैं। कई सारी बैंक हैं जो आसानी से लोन प्रोवाइड करा देती हैं और प्राइवेट कंपनियाँ हैं जो काफ़ी आसानी से लोन प्राइवेट प्रोवाइड करा देती हैं। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो कई सारी लिंक वगैरह होती हैं, कई सारे कॉल वगैरह भी आते हैं, तो उन पर आप अपनी कभी इन्फॉर्मेशन ना दें, ना ही किसी वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन करें इसके लिए। और अखबार में भी इस तरह के कई विज्ञापन देखने को मिलते हैं, तो आप कहीं से भी इस तरह का कुछ भी ना करें। इसके लिए आपको सिंपली करना क्या, अगर आपको अपनी 10th की मार्कशीट पर या 12th की पर लोन चाहिए है, तो आपको सिंपली अपनी नज़दीकी बैंक जाना होगा। कोई भी बैंक हो सकता है, आपका SBI हो, BOI हो, जो भी हो, अब वहाँ पर जाइए बैंक और बैंक जाके आप साइड है उनसे बात कीजिए, वो आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या कागज़ लगेंगे। और इसके लोन लेने के लिए आपको अपनी मार्कशीट देनी होगी जिस पर भी आप लोन लेना चाहते हैं, वो आपकी जमा करनी होगी, और आपका एक परमानेंट एड्रेस प्रूफ यानी कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, और कुछ एक दो डॉक्यूमेंट और होंगे जो आपको बड़े आसानी से बता देंगे। बैंक इस पर लोन दे देती है और इस पर कुछ चार्ज वसूलती है जो कि ज़्यादा नहीं होता है, और प्राइवेट कंपनियाँ भी इस पर चार्ज वसूलती हैं, तो वो भी ज़्यादा नहीं होता है, तो आसानी से बैंक से लोन आसानी से ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली इसके लिए क्या करना है, आपने बैंक से जानकारी ले लेनी है, और नहीं तो अगर बैंक में आपको लोन थोड़ा समय लगता है, अगर आप प्राइवेट कंपनी से लोन लेना चाहते हो तो आपको प्राइवेट कंपनी भी लोन बड़ी आसानी से दे देगी, तो आप आसानी से प्राइवेट कंपनी से भी बात कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्राइवेट कंपनियों के लिंक दे दूँगा, यहाँ से आप आसानी से उनसे कॉन्टैक्ट करके आसानी से अपना लोन पास करा सकते हैं, और आपको अपनी मार्कशीट पर ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 से 8 लाख तक का लोन मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये गवर्नमेंट टैक्स की तरह ही आपको लोन दे दिया जाता है, और बाद में कंपनी इसको वसूलती भी है, ये आपसे ही ले लिया जाएगा, आपको कुछ समय दे दिया जाएगा, आपको एक लास्ट डेट दी जाएगी 1 साल की या 2 साल की, और आपको इस लोन को धीरे धीरे उसको वापस भी करना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये लोन उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो इसको वापस करने के लिए तैयार होते हैं। उनके क्या है, कोई भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे, यानी कि आपकी कोई भी एक ऐसी चीज़ लगेगी अगर आप लोन नहीं देते हो तो उसके बदले उसको ले सकें, यानी कि आपके घर के कागज़ वगैरह ये चीज़ ऐसी लोग मांग भी सकते हैं। दोस्तों, आपको सिंपली करना क्या है, इसके लिए आपको कहीं पे भी फालतू हाथ नहीं चलाने, ना ही अखबार में या विज्ञापन को देख के ऐड पे जाके कॉल करना है, आपको अपने बैंक जाना है। अगर बैंक आपको लोन देने से मना करती है तो आप प्राइवेट कंपनियों को मैं लिंक दे दूंगा, या फिर आप प्राइवेट कंपनियों की जानकारी करके आसानी से वहाँ से लोन ले सकते हैं। प्राइवेट कंपनियाँ बैंक के मुकाबले थोड़ा इन्वेस्टमेंट को जो आप लोन पे आपको लोन देगी उस पर थोड़ा चार्ज ज़्यादा रखती है, 1-2%, पर सिंपली वो आपको काफ़ी आसानी से और बहुत जल्द लोन प्रोवाइड करा देगी और आपको बड़ी आसानी से लोन मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और नॉलेज के साथ।